अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू ऑल आर फाइन। ओके बेटा जी, दिस इज़ अवर सेकेंड क्लास, टेक आउट योर सोशल स्टडी प्राइमर बुक। शाबाश, टेक आउट योर सोशल स्टडी प्राइमर बुक। सब बच्चे अपनी सोशल स्टडी प्राइमर बुक निकाल लें, ठीक है, जल्दी से निकाल लें जी। हुज़ैफ़ा, अनम्यूट योर माइक, आपने हैंड रेज किया हुआ है। आवर सोशल स्टडी क्लास, टेक आउट योर सोशल स्टडी प्राइमर बुक। शाबाश, ओपन इट एंड रीड द पेज नंबर 17। इस पेज पे आ जाएं। पेज नंबर 1717, ठीक है। ओके बेटे, दिस इज़ यूनिट पार्क एक्टिविटी है इसमें, ठीक है। ये आपको पार्क नज़र आ रहा है, ठीक है, पार्क बना हुआ है। आप सब पार्क जाते होते हैं ना। देखें, यहाँ पर स्विंग्स भी हैं, यहाँ पर प्लांट्स भी हैं, ट्रीज़ है, क्लाउड्स हैं, सन है, कितनी बहुत सारी चीज़ें ना होती हैं पार्क में, ठीक है। अभी हम पेज नंबर 18 पर आते हैं। पेज नंबर 18 पर आ जाए सब बच्चे, ये वाला पेज है, पेज नंबर 1818। शाबाश, जल्दी से आ जाए। ये है डूज एंड डोंट्स इन द पार्क। क्या हमें पार्क में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ इसमें आपके सामने दी गई है। द फर्स्ट पिक्चर इज़ यूज़ द डस्टबिन टू डिस्पोज द वेस्ट, ठीक है। ये भी आप सबको पता है कि जब हम पार्क में जाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं या कुछ भी हो, कोई भी गंद आपके पास हो, तो काइंडली पुट इन अ डस्टबिन, ठीक है। आपने डस्टबिन के अंदर गंद डालना है, ठीक है मेरा बेटा। बाहर गंद नहीं फेंकना, क्योंकि अगर हम खुद अपने माहौल की, अपने इर्द गिर्द की जगह की हिफाजत नहीं करेंगे तो वो तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाएगी। फिर हमें पार्क जाने का भी मज़ा नहीं आएगा, हमें स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी। सो कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन, ठीक है। सेकंड पिक्चर इज़ डू नॉट प्लग द फ्लावर्स। जब आप पार्क जाते हैं तो काइंडली आप वहाँ पे जो फ्लावर्स लगे होते हैं उसे आप तोड़ा नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ से फिर वो खूबसूरती नहीं आती पार्क की, ठीक है। और आपको पता है एक चीज़ है ना, जैसे आपकी मामा है और आप हैं, ठीक है, तो अगर आपसे आपकी मामा को दूर ले जाएं या आपको आपकी मामा से दूर ले जाएं, ठीक है, तो आप रोएंगे ना, ठीक है ना, आप खफा हो जाएंगे। अगर बहुत दिन दूर रहें तो आप बीमार हो जाएंगे अपनी मामा के लिए, ठीक है ना। सो इसी तरह प्लांट्स भी होते हैं, फ्लावर्स भी होते हैं, ठीक है। अगर आप फूल को तोड़ते हैं तो जो फूल की टहनी होती है तो वो जो है उसकी मामा होती है, ठीक है, और फूल जो है उसका बेबी है। सो अगर आप उसका बेबी आप दूर ले जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि फ्लावर जो है वो कितना 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 उदास हो जाता है, और फिर वो उदास होते 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 मुरझा जाता है, ठीक है ना। वो दोबारा तो जुड़ भी नहीं सकता अपनी मामा के पास, अपनी टहनी पर, ठीक है। सो आपको चाहिए कि आप जो हैं वो फ्लावर्स नहीं तोड़ा करें। जिस तरह आपको डर लगता है ना कि आप अपनी मामा से दूर चले जाएंगे तो क्या होगा, सो इसी तरह प्लांट्स में भी, फ्लावर्स भी जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं, खफा हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं और फिर मुरझा जाते हैं अगर उनको उनकी मामा से दूर करते हैं तो, ठीक है ना। सो डोंट प्लग द फ्लावर्स। पिक्चर नंबर 3 है डू नॉट स्पिट इन द पार्क। पार्क में आप थूके नहीं फेंका कीजिए, ठीक है। जैसे अगर गंदे बच्चे होते हैं ना बाज, या तो इस तरह से करते हैं ना कि अगर उनके मुंह में कोई गंदी चीज़ आ जाती है या कुछ तो वो थूक देते हैं, ठीक है, तो थूका नहीं कीजिए, ठीक है। थूकना गलत बात है पार्क में, क्योंकि गंदी जगह हो जाती है ना अगर आप थूकेंगे। अगर किसी ने उस पर पाँव रख दिया, उसको जर्म्स लग गए, तो सो इसीलिए आपने थूकना नहीं है पार्क में। डू नॉट स्पिट इन द पार्क। एंड पिक्चर नंबर 4 इज़ डू नॉट थ्रो वेस्ट इन द पार्क। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि गंद आपने पार्क में नहीं फेंकना, ठीक है मेरा बेटा, पार्क में गंद नहीं फेंकना, जो वेस्ट मटेरियल है सो काइंडली पुट इन द डस्टबिन। आपने डस्टबिन में डालना है, जो वहाँ पे साइड पे कॉर्नर पे कहीं पे डस्टबिन लगे होते हैं आप उसके अंदर डाला करें, ठीक है। ओके, पिक्चर नंबर 5 इज डू नॉट पुश ईच अदर। जब आप खेल रहे होते हैं तो एक दूसरे को पुश ना किया करें, ठीक है। जैसे हम आपको स्कूल में भी बताते थे, पहले जब आप स्कूल आते थे तो आपको हम कहते थे कि डोंट पुश। सो इसका यही मतलब होता है कि अगर आपने पुश किया तो आगे वाला बच्चा गिर जाएगा, उसे चोट लग जाएगी, ठीक है। तो इस तरह जब आप पार्क में भी खेल रहे होते हैं
तो एक दूसरे को धक्का ना दीजिए, ठीक है। अगर आपने धक्का दिया तो आगे वाला जो जिसको आप धक्का दे रहे हो वो गिर जाए, उसको कहीं ज़्यादा चोट लग जाए तो इट्स डेंजरस, ठीक है। सो मैनर्स के साथ खेला करें, एक दूसरे के साथ मिलकर खेलें। अगर आपके पास देखें अब एक कोई एक झूला है, अगर आपने वहाँ पे ले लिया झूला तो अब आपके साथ जो दूसरा आपका फ्रेंड खड़ा है तो अब आप उसको बारी दो, ठीक है, वो भी ले, फिर आपके बाद फिर उसके बाद आपकी बारी आएगी, फिर आपके बाद उसकी बारी। मिलकर खेलने में ही मज़ा आता है, ठीक है, चाहे जो भी आप खेल रहे हो। तो सो काइंडली डू प्ले इन अ फ्रेंडली मैनर्स, ठीक है, आप जो है फ्रेंडली होकर खेला करें और बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए खेल के दौरान। गंदी गंदी बातें जैसे आप लोग चीखते हैं, चीखना नहीं चाहिए, ठीक है। गलत जो जिसका जो नेम है आप उसको उसी नेम से पुकारें, गलत नेम्स नहीं लें, ठीक है। एक दूसरे को पुश ना करें, ठीक हो गया। ये पार्क का हिसाब था कि पार्क में आपने क्या क्या करना है। पार्क में आपने डस्टबिन यूज़ करना है, गंद ज़मीन पर थ्रो नहीं करना, फ्लावर्स जो हैं वो तोड़ने नहीं हैं, थूक नहीं फेंकनी है, एक दूसरे को पुश नहीं करना, ठीक है, और फ्रेंडली मैनर्स के साथ खेलना है, ठीक है। ओके, इसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे पेज नंबर 1919 है, ठीक है। इस पे है कलर द ऑब्जेक्ट, ये आपका होमवर्क है, ठीक है मेरा बेटा, ये आपका होमवर्क है, ये वाला पेज। कलर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, बटरफ्लाई है, स्विंग है, ये भी स्विंग है एक स्लाइड वाला ये, और फोर्थ पे है बॉल। तो आपने इन सब को कलर्स करना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। कलर्स करके 7 o'clock से पहले मुझे पिक्चर ज़रूर सेंड करनी है, ठीक है, और कलर नीट होने चाहिए। फर्स्ट मेक अ बाउंड्री देन कलर इट, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ डू यू गो टू प्ले इन द पार्क, आप पार्क जाते हो खेलने के लिए, सो येस और नो इट्स अप टू यू। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वर्ड गेम डू यू लाइक टू प्ले इन द पार्क, ये भी आपकी अपनी मर्जी है कि आपको क्या पसंद है, स्विंग्स लेने पसंद हैं या आपको एक दूसरे के साथ क्या चीज़, मतलब कौन सी गेम आपको पसंद है, फुटबॉल पसंद है, बैट बॉल पसंद है, या आपको कोई भी चीज़ पसंद है, टेनिस है, बैडमिंटन है, और जो आपको पसंद हो आप वो बात मुझे बताएंगे कि आपको कौन सी गेम पसंद है, ठीक है। अभी मैं आपको अनम्यूट करूँगी ना तो फिर आपने मुझे बताना होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है डू यू लाइक टू प्ले इन द पार्क, डू यू गो टू प्ले इन द पार्क, आप प्ले खेलने के लिए पार्क जाते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट गेम्स डू यू लाइक टू प्ले इन द पार्क, आपको पार्क में कौन सी गेम खेलना पसंद है, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन मैं अभी आपसे पूछूंगी, ठीक है मेरा बेटा। अभी आपका जो होमवर्क एक्टिविटी है वो ये है कलर द ऑब्जेक्ट, ठीक है, आपने इसके कलर्स करने हैं और मुझे 7 o'clock से पहले पिक्चर्स ज़रूर सेंड करनी है। कलर आपके नीट होने चाहिए, बाहर ना निकला हो, पहले आपने बाउंड्री बनानी है फिर कलर करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको 1 by 1 अनम्यूट करती हूँ, ठीक है मेरा बेटा। इससे पहले मैं अभी आपको अनम्यूट करूँ, मैं आपको एक बार जो हमने सामियाद की भी क्लास में दूध पीने की दुआ पढ़ी थी मैं आपको एक बार फिर रिपीट करवा देती हूँ, ठीक है। दूध पीने की दुआ है, सब बच्चे मेरे साथ पढ़ें, दूध पीने की दुआ, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे वज़िदना मिन्हू, ठीक है। अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे वज़िदना मिन्हू, ठीक है। अभी हमने इस्लामियाती क्लास में दूध पीने की दुआ याद की है ना, मैं इसीलिए बार बार रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। हम एक बार फिर पढ़ते हैं, आप मेरे साथ पढ़ें, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे वज़िदना मिन्हू, ठीक है, ओके। इसके बाद हमारी अभी मैंने आपको होमवर्क एक्टिविटी बता दी है, पेज नंबर 19 पर है कलर द ऑब्जेक्ट, आपने इसको कलर करके मुझे पिक्चर सेंड करनी है। और अभी आपको मैं 1 by 1 अनम्यूट करती हूँ, आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप पार्क जाते हो खेलने और आपको गेम्स कौन सी पसंद है खेलना पार्क में, ठीक है। अभी मैं आपको 1 by 1 जो है वो अनम्यूट करूँगी तो आपने मुझे बताना है।